बाबा साहब की जयंती पर देश भर में गूंजा संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ का नारा। देश के 24 राज्यों की जनता ने संविधान की शपथ लेकर किया केजरीवाल का समर्थन। 14 अप्रैल का ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज था, है और आगे भी हमेशा रहेगा, क्योंकि आज ही के दिन देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है। और जब जब देश के संविधान पर आंच आई है, संविधान के चाहने वालों ने संविधान की शपथ लेकर इसे कुचलने वालों को करारा जवाब दिया है। आज देश की एकता, अखंडता और संविधान की मूल आत्मा खतरे में है, क्योंकि देश की सत्ता पर बैठा तानाशाह देश के संविधान को कुचलना चाहता है, देश को गुलामी की ओर धकेलना चाहता है, संविधान के चाहने वालों को जेल भेजकर डराना चाहता है। लेकिन बाबा साहब के बताए रास्तों पर चलने वाले भला जेल जाने से कहां डरने वाले हैं। इसीलिए आज उनके जन्म दिवस पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ का नारा गूंजा। इस नारे की गूंज मुंबई, राजस्थान, हरियाणा, केरल, कर्नाटक के साथ साथ देश भर के 24 राज्यों में सुनाई दी। अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही तानाशाह के पैरों तले जमीन खिसका दी। जैसे पहले महारैली में लाखों का जनसैलाब देखकर तानाशाह बौखलाया, जैसे देश भर में उपवास और प्रार्थना सभाएं देखकर तानाशाह की नींदें उड़ी, ठीक उसी तरह जेल से अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर आज देश भर के लोगों ने देश के संविधान की शपथ लेकर संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ की इस लड़ाई में केजरीवाल जी का साथ दिया। आज देश के लोगों ने तानाशाह मोदी को यह बता दिया कि केजरीवाल जी देश के संविधान को बचाने की इस लड़ाई में अकेले नहीं है, उनके साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं। तानाशाह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो केजरीवाल को नहीं झुका सकता, उनकी ईमानदारी और हौसलों को नहीं तोड़ सकता, उनके विचारों को कैद नहीं कर सकता। संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ।